नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चुनाव हरियाणा का देख रहे हैं आप प्रतिमा दत्ता के साथ। ये चुनाव स्टूडियो जो लगातार हम इस पूरे हरियाणा के तमाम हलकों में जाकर आपको ग्राउंड जीरो से इस चुनाव का हाल बता रहे हैं। आज प्रदेश की एक ऐसी सीट पर हमारा ये चुनावी स्टूडियो पहुंचा है जिसको हॉट सीट के नाम से लोग जान रहे हैं, जिस सीट को लेकर दिलचस्पी तमाम प्रदेश के लोगों में, ना सिर्फ देश के लोगों में भी है कि आखिर इस सीट पर क्या होगा, कौन बाजी मारेगा और यहाँ से विधायक आखिर कौन बनेगा। इस सीट का जिक्र चर्चा इसलिए क्योंकि यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है उस पर पूरे देश को गर्व है। विदेशों में डंका बजाकर भारत का नाम रोशन किया, लेकिन अब खिलाड़ी से नेतागिरी में आ गई हैं हमारी विनेश फोगाट, भारत की बेटी। राजनीति का ये सफ़र कैसे तय कर रही हैं, कितना मुश्किल है चुनाव का ये समय, और एक खिलाड़ी के तौर पर जिन तमाम मुसीबतों मुश्किलों का सामना किया, अब राजनीति के मैदान में कितनी परेशानियां हैं या राह कितनी आसान है। जुलाना सीट से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, हमारे साथ विनेश फोगाट मौजूद हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद। कितनी तैयारी है और ये नई फील्ड राजनीति की कैसे देख रहे हैं आप इसको? काफ़ी डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, काफ़ी नहीं बोलूँगी मैं। एक चीज़ कॉमन है, जो लोगों का प्यार वो बढ़ता ही जा रहा है, वो फैमिली बढ़ती जा रही है। और अच्छी बात है कि मैं उनके बीच में आई हूँ, अगर मैं नहीं आती तो मुझे नहीं पता लगता लोग कितना प्यार करते हैं। किसी भी एथलीट के लिए पब्लिक का प्यार पाना बहुत एक बरसों की मेहनत लग जाती है, तब जाके एक पब्लिक आपको इतना प्यार करती है। और जनता जनार्दन से ऊपर कुछ नहीं होता है। और नई फील्ड है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, उम्मीदें लोगों की बहुत ज़्यादा है। और जो महिलाएँ हैं उनकी जो उनकी आँखों में जो आस है ना, जो विश्वास है और जो एक्साइटमेंट है मेरे को देख के, वो बहुत ही एक अलग प्राउड की बात है, अलग लेवल है। मतलब वो मेरे में अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में एक लंबी लड़ाई आपने खिलाड़ियों के लिए लड़ी, महिला पहलवानों के लिए लड़ी, उससे भी एक सिंपति कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों में आपके लिए, तमाम दूसरे खिलाड़ियों के लिए और थी। मैं मानती हूँ उसको मैं सिंपति नहीं बोल सकती ना, वो एक जेन्युइन लड़ाई थी। वो एक बहुत ही हमारे देश का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो लड़ाई का। और भारत की 50% आबादी वाले जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेके, उनके साथ जो मिसबिहेव होता है उसको लेके लोग जागरूक हुए हैं, लोगों में वो सेंसिटिविटी आई है। हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ पे हम जैसी लड़कियाँ डरती हैं बताने को फैमिली को ऐसी बातें, वो राज्य पर चढ़ के अपनी बेटियों के साथ में खड़ा है, तो वो समझ रहे हैं, महिलाएं उस चीज़ को समझ रही हैं। तो मैं उसको सिंपति नहीं बोलती, मैं उसको एक बहुत ही पॉजिटिव वे में हमने एक रास्ता अपनी बहनों को या हमारी माताओं को हमने दिखाया है कि बेटियों को ध्यान में रखना है, उनके मोटिवेट करना है, उनको समझाना है कि बाहर की दुनिया कैसी है, कैसे उनको डील करना है, आपके साथ में कुछ गलत होता है तो बोलना है। तो ये चीज़ें काफ़ी एक पॉजिटिव वे में लोग मतलब मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में अप्रिशिएट तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बर्ताव आपके साथ उस दौरान हुआ, जो तमाम दूसरे पहलवान खिलाड़ी आपके साथ धरने पर बैठे रहे, उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसको लेके तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सिंपैथी लोगों के दिल में कि गलत हुआ है। नहीं, बिल्कुल वो सिंपैथी है नहीं है, मैं इसको मतलब मैं सिंपैथी में एक बेचारीपन में मैं नहीं रखना चाहती उस चीज़ को। सिंपैथी का मतलब बेचारापन, वो बेचारी नहीं देख रहे वो मेरे को, वो मेरे को लड़ने वाली महिला के तौर पे देख रहे हैं, उस वे में देखना चाह रहे हैं मेरे को, जो कि मैं आई हूँ मैदान में। अगर मैं किसी भी खिलाड़ी के लिए ऐसी जगह से आना जहाँ पे मतलब आपका ओलंपिक मेडल ऑलमोस्ट साथ चला गया, फिर मतलब वो 6 महीने साल लग जाते हैं, पूरी ज़िंदगी भी निकल जाती है, एथलीट उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं मेंटली। और उस टाइम पे लोगों का जो प्यार है वो मेरे को फिर भी लड़ने वाली लड़ाकू टाइप वो देखना चाहते हैं। तो एक किस्म से वो जोश है महिलाओं में, उनमें वो ताकत, वो हिम्मत आ रही है कि हमारे वाली कर सकती है या हम इनके साथ में लग के कर सकते हैं या हमारे बच्चियों के लिए करना चाहती है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल की सिंपति मैं बोल सकती हूँ, मैं वीक वाली सिंपति नहीं बोलूँगी इसको। नहीं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाली ही वो सिंपति कहें। और एक फाइटर हैं आप, हमने देखा भी ओलंपिक्स में जो भी हुआ, मतलब वाकई बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक तो होगा ही, लेकिन फिर से उठ के खड़े होने की जो हिम्मत आपने जुटाई उसमें सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया? देखो, सबसे पहले तो आपकी फैमिली होती है, जो आपके आस पास के लोग होते हैं। सोमवीर 24 आवर्स मेरे साथ में रहा है, इतने साल हो गए हैं, तो मैं मतलब फर्स्ट तो वही है, क्योंकि आपका जीवन साथी से आप दूसरी चीज़ें शेयर करते हो, पब्लिकली नहीं करते हो, ना किसी फैमिली मेम्बर के साथ में करते हो।
लेकिन इस देश ने भी बहुत ज़्यादा कुछ दे दिया, ज़्यादा ही दे दिया, कभी सोचा नहीं था हमने। ओलंपिक गोल्ड के बाद भी मैंने इतने बड़े बड़े सपने ले लिए थे कि लोग इतना प्यार देंगे ना, तो ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कर्ज कभी चुका नहीं पाऊंगे मुझे पता है, लेकिन एक कोशिश हमारी जारी है कि जो इनकी जो मुस्कान है जो मेरे को देख के आ रही है वो मुस्कान बनी रहनी चाहिए बस मेरे मेरे काम से, मेरी मेहनत से, और जो ये मेरे से चाहते हैं उनकी उम्मीदों की जो एक एक जो रोशनी है उनकी आंखों में वो बनी रहनी चाहिए। लोगों में तो एक उम्मीद भी है, मुस्कान भी है, लेकिन जो दूसरे वाले नेता है ना, जो दूसरी वाली पार्टी है जो आपके खिलाफ चुनावी मैदान में है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। हम देख रहे हैं, कह रहे हैं कि विनेश अगर कांग्रेस की बेटी बनना चाहते हैं तो हम क्या करें। देखिए, वो पहली बात तो वो लोग किसी भी, मुझे ऐसे लगता है, मैं भारतीय जनता पार्टी की स्पेशली बात कर रही हूँ, उनको आई थिंक स्ट्रॉन्ग महिलाएं पसंद नहीं हैं, जो अपने डिसीजन लेती हैं या जो अपनी बात पे अड़ी रहती हैं, जो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं वो उनको पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि देश इस दिशा में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, उनकी लड़ाई कोई लड़ने वाला हो, तो वो एक चीज़ में मुझे सीमित करना चाहते हैं, लेकिन ये देश नहीं होने देगा सीमित। मैं देश की बेटी थी, देश की बेटी रहूँगी। अगर मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन करके अगर लोगों के बीच में जाने का फैसला किया, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी ने मेरे को अपने बंद कमरों के बीच में जकड़ लिया है। वो एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का, वो पार्टी सिर्फ माध्यम बनी है। कांग्रेस पार्टी ने मेरे को जकड़ा नहीं है, मेरे को कभी नहीं बोला कि आप सिर्फ हमारी बेटी हो, है ना, और ना हम वो मानते हैं। मैं पूरे देश की बेटी हूँ, हर महिला देश की एक मजबूत स्तंभ है, और उसको महिलाओं को एक कमरे में बंद करके रखने वाला, जो एक किसी भी फील्ड में या किसी भी नैरेटिव में सेट करके रखने वाली, वो ताकत महिला में बहुत ज़्यादा है, वो उससे निकल जाएगी। और मैं भी उन्हीं महिलाओं में से हूँ कि मैं उनके बोलने से मैं किसी एक जगह पर सीमित नहीं रहूँगी। पूरे देश में हम एक रोशनी प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं, जो अपने खेल के माध्यम से किया, हम इस क्षेत्र में भी उसी सोच से और उसी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। आप जब दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे तब भी हमने देखा कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके पास आकर परेशानियों को सुनकर समझकर आपसे बात की, बहुत सारी वीडियोज को भी वायरल हुई। ओलंपिक से वापस आए दीपेंद्र हुड्डा खुद आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे। बीजेपी नेताओं के साथ आपकी ऐसी कोई फोटो कोई तस्वीर देखने को मिली नहीं? ये एक अचंभे की बात है ना, ये बहुत दुख की बात भी है। मैं ओलंपिक से आई तब तक मैं कांग्रेस की बेटी तो नहीं थी, मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। हमने सच्चाई की लड़ाई लड़ी थी, उनको पसंद नहीं थी, क्योंकि हमने उनकी सच्चाई, उनके जो सांसद है उसकी सच्चाई पूरे देश को बता दी थी। तो शायद पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको ये तकलीफ हुई कि ऐसे कैसे हमारी पार्टी के बारे में कुछ भी बोल दिया पब्लिकली, और क्यों नहीं आए वो, मुझे भी मतलब पूछना है लोगों से कि अगर वो उनको लगता था कि हम कांग्रेस ने हमें एक बिठाया है या कांग्रेस ने किया है, तो वो आके उस नैरेटिव को तोड़ सकते थे, है ना। जब हम सड़कों पे बैठे थे कोई सिंगल बंदा आके हमारे लिए वो कदम बढ़ाता जो इन्होंने बढ़ाया है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, चाहे दीपेंद्र भाई साहब आए, वो सब मेरे लिए नहीं आए। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, मैं अभी इनसे कॉन्टैक्ट में आई हूँ, जैसे लड़ाई लड़ी है, उससे पहले किसी भी पॉलिटिशियन का मेरे पास नंबर नहीं था। अच्छा, उससे पहले आप नहीं रखती थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में इतनी इन्वॉल्व थी ना, कभी ज़िंदगी में ऐसे परमात्मा के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे किसी की सिफारिश करने की, अपनी सिफारिश करने की। अपने मेहनत के दम पर हम इतना आगे बढ़े हैं, और जब अभी जो योगेश्वर दत्त जी हैं बीजेपी में हैं, लेकिन जब वो खिलाड़ी थे वो तब भी उनका स्वागत करने जाते थे एयरपोर्ट पे, तो ये कोई नई बात नहीं है कि विनेश के साथ में हुआ, वो हर खिलाड़ी के साथ में गए हैं। अभी मनु बाकर के घर पे भी गए हैं वो कभी कभी, और मैं तो अच्छा मानती हूँ उसको। कोई खिलाड़ी जब नहीं जीत के आता है तब उसके साथ में खड़े रहना वो बहुत लोग नहीं कर पाते, लेकिन आपको तो पूरा देश वो लोग नहीं कर पाते। उन्होंने किया है तो उनका वेलकम होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आप अपनी बेटी के साथ में, अपनी बहनों के साथ में उस टाइम पे खड़े हो जब वो बिल्कुल टूटी हुई महसूस कर रही है। हमने देखा मोदी जी का ट्वीट भी आया, नायब सिंह सैनी साहब के ट्वीट भी आए आपके लिए, किसी से बात हुई आपकी? देखो, जिंदगी में दो चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया आपकी रियल लाइफ नहीं है, सबको पता है, वो बिल्कुल एक इंटरेक्शन है लोगों से करने का। क्या वो मेरे से कभी मिले, क्या उन्होंने कभी पूछा कि सच्चाई क्या है, या आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हो, हमारी अपने साइड की बात सुनने की कोशिश की? कभी नहीं की। तो वो कैसे आप उनको ब्लेम कर सकते हैं कि आप कांग्रेस के हो? बहुत सारी पार्टियां आई थी हमारे पास में, फर्स्ट टाइम जब हम बैठे थे सिंगल पार्टी, विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर है हमारे, खिलाड़ी रहे हैं, हमने उनको स्टेज से नीचे उतार दिया था। उस घड़ी पे हमें तकलीफ हो रही थी कि एक खिलाड़ी को भी हम मंच नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा इतना था कि जो हमारी लड़ाई सच्चाई की ना, उसको कहीं पॉलिटिकल रंग ना दे दे कोई भी, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया।
लेकिन 3-4 महीने तक ये सब हमने सब हमने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट किया। जब भी इन्होंने कुछ नहीं किया तब हमने पूरे देश से अपील की कि हमारे साथ आइए, हमारी लड़ाई को हमारी सच्चाई को दबाने की और डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। तब पूरा देश साथ में आया था, जो पार्टीज हैं वो भी देश का हिस्सा है, वो देश से अलग नहीं है, तो पूरा देश उमड़ के आया था उस टाइम पे। तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को आप टारगेट करके या आपने कहा सोशल मीडिया रियल नहीं है, रियल वर्ल्ड है जिसमें मैं चाहे ओलंपिक से आई हूँ उस टाइम पे बीजेपी का कोई किसी भी नहीं सोशल मीडिया पे जो बोल रहे हैं वो चीजें हैं। अच्छा, आपको अप्रोच कभी नहीं सिंगल टाइम भी नहीं, सिंगल टाइम भी नहीं, मैसेज भी नहीं, कोई थर्ड पर्सन आके भी नहीं। तो कह रहे हैं जो एक ओलंपिक पदक विजेता को तमाम सुविधाएं और तमाम अवार्ड्स दिए जाते हैं, विनेश को भी हमने वही देने का फैसला किया है। मेरे पास अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। मेरे अकाउंट में जो पैसे आए थे, जो पार्टिसिपेशन के जो पैसे हैं ओलंपिक्स में जाने वाले के 15 लाख रुपए, वो मेरे अकाउंट में जरूर आए हैं। अदरवाइज मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं आया है, और अगर आता भी, मैं इतनी हर्ट थी इस चीज़ से, ये कोई हम भीख नहीं ले रहे किसी से, हमने मेहनत की है, ईमानदारी से की है। वो पैसे से ज़्यादा अगर आप फ़ोन करके एक बार पूछ लेते कि बेटा ठीक हो कि नहीं हो, मुझे लगता है वो ज़्यादा एक कीमती चीज़ थी जो आप दे सकते थे, जो आप नहीं दे पाए। तो कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी आप नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं आया। ये जो सिर्फ है, ये चुनाव ही, उनको पता हरियाणा में चुनाव है, पब्लिसिटी स्टंट करने वाले लोग हैं, झूठी बातें हैं सब, ऐसा कुछ नहीं था। आपके जुलाना में हमारा ये चुनावी स्टूडियो है, हम देख रहे हैं हमारा स्टूडियो भी कितना ज़्यादा खिल रहा है। जुलाना को आपने सुना है, हम अलग अलग एरियाज में भी जुलाना के गए, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ देख रहे हैं। हिल रहा है क्योंकि सड़कें खराब हैं, ठीक है, सड़कों की हालत बहुत ही ज़्यादा लेवल पर ख़राब है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये जो क्षेत्र है ना जैन जुलाना, ये बहुत कृषि का क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों का जो एक व्यापन जीवन व्यापन है वो कृषि से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। उसमें पानी की समस्या होना, पीने के पानी से लेके खेतों में पानी जाने तक, नहरों का पानी उनको नहीं मिल रहा है, जो कि एक मूल चीज़ है जो खेतों के लिए चाहिए होती है। तो बिजली का जो बिल है वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि लोग पानी भी सोच सोच के खेतों में डालते हैं, एक एक बूंद की इतना देंगे तो इतना तेल जाएगा, इतना डालेंगे तो इतना बिजली का खर्चा आएगा। और हॉस्पिटल नहीं है, जो महिलाओं की डिलीवरी है, जो बता रहे हैं लोग, जो मैं देख रही हूँ अभी मेरे आने के बाद में भी एक महिला हॉस्पिटल में जाते जाते हॉस्पिटल के सामने डिलीवरी हो गई है। ये तो हालत था हॉस्पिटल्स की। तो समझ रहे हो आप, जो बेसिक चीज़ जो है पूरी दुनिया में जो आपको प्रोवाइड की जाती है वो अगर नहीं है तो ये क्षेत्र की आप मान सकते हो हालत क्या हो रखी है। तो आपने सारी परेशानियां समझ रही हैं, मतलब कि अभी ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि जुलाना में क्या क्या तकलीफें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो एक सामाजिक लेवल पे जो होता है वो सब समझ में आता है, पर्सनल लेवल पे नहीं समझ पा रहे हो, जानने की जरूरत नहीं होती है पर्सनल लेवल पे, वो अलग चीजें हो जाती हैं। लेकिन रोजगार नहीं है बिल्कुल भी, जो खिलाड़ी हैं उनको खेलने तक की कुछ भी नहीं, और खिलाड़ी नहीं, जो भी कोई पुलिस में जाना चाहता है फिजिकल टेस्ट के लिए, कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, ग्राउंड नहीं है बच्चों के पास में रनिंग करने के लिए, या जो रोड पे जा रहे हैं बच्चे, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, सिर्फ रोजगार लेने के लिए या फिजिकल का टेस्ट करने के लिए। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, है ना, और बहुत छोटी उम्र में वो जिम्मेदारी मेरे पे बहुत ज़्यादा आ गई है। लेकिन ये मैंने चुना है, है ना, ये मैं किसी को ये ब्लेम नहीं कर सकती इस चीज़ के, नहीं तो सोचती है अकेले बैठ के यार कैसे कैसे होगा, ये इतनी समस्याएं हैं कैसे हल करूं। नहीं बिल्कुल, देखो समस्याएं ज़्यादा है, आप में हौसला होना चाहिए, आप में वो सिद्धत होनी चाहिए काम करने की, वो ईमानदारी से, अगर आप, मैं बता रही हूँ 24 आवर्स की जॉब है यहाँ पे, जैसे हम खिलाड़ी होने के नाते हम संडे को रेस्ट लेते थे, सैटरडे को रेस्ट करते थे, वो नहीं है। ये 24 आवर्स आपको समर्पित करना पड़ेगा हर एक जन के लिए जो आपको चाहता है या जो आपके लिए वोट करता है। एक वोट की कीमत मेरे को अभी समझ में है, पता है, और उसकी मैं इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनकी भावनाओं की कदर करती हूँ, तो वो उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हो रही हूँ, टाइम के साथ में मैं हो रही हूँ। हम देख रहे हैं जहाँ जा रहे हैं अपार जनसमर्थन लोगों का मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना दुलार मिल रहा है, लोगों को मानते हैं आपके, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे। बिल्कुल, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अलग लेवल की उम्मीदें हैं, और पूरा करने की जिम्मेदारियाँ भी हैं, लेकिन हौसला बहुत है मेरे में। इतना 30 साल में हमने खेलों में भी सीखा है, जब खेलते हैं तो उम्मीदें उसमें भी होती हैं, ओलंपिक में मेडल लाने की उम्मीद रहती है हमेशा, किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो गोल्ड की उम्मीद रहती है, तो उम्मीदों पे हमें पता है कैसे खरा उतरना है, कैसे उनको बांध के रखना है, कैसे उस प्रेशर से डील करना है, तो वो सब आता है, और वो आज इस फील्ड में काम आ रहा है खिलाड़ियों के नाते जो मैंने सीखा है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है खिलाड़ी की ज़िंदगी में, कैसे अपने आप पे काम करना, और
मतलब पूरा टाइम ट्रेनिंग में ही मुझे लगता है कि निकल जाता है और अपने आप को तैयार करने के लिए और हर कंपटीशन में हर फाइट में लड़ने के लिए। राजनीति की अगर बात करें, डिसिप्लिन यहाँ पर भी है, लेकिन डिसिप्लिन इस तरीके का है कि 24 घंटे आपको लोगों के बीच में ही रहना है, तो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं और कितने इतने लोगों के अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग भाषाएँ हैं, अलग अलग उनकी थिंकिंग है, अलग समस्याएँ हैं, तो पता नहीं, मैं 24 आवर्स की जॉब है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल कम्प्लीटली आपको भूल के आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आपको इस क्षेत्र में कुछ करना है तो। अगर आपको सिर्फ मज़े लेने हैं यहाँ पे आके, राज आ गया और फिर आप अपना 5 साल तक घूमो फिरो मज़े लो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है ना। अगर लेकिन अगर आप लोगों के लिए समर्पित हो, अगर आप इस क्षेत्र में आए हो तो आपको, अगर सच्चे मन से आप चाहते हो तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, लोगों के भलाई के लिए काम करना पड़ेगा जितने टाइम के लिए भी आप करो। तो अभी तक तो ईमानदारी से चल रहे हैं और कोशिश यही है, जिस दिन ये विचार मन में आएंगे तो शायद हम इस फील्ड को छोड़ देंगे, ये मेरा मानना है कि फिर वो बेकार में किसी कोई और अच्छे इंसान को जगह देनी चाहिए फिर जो कर सके। जब तक आपकी कैपेसिटी आप करो, अगर आपको नहीं करना है तो आप अपने दूसरे किसी अच्छे इंसान को जगह दीजिए। ओलंपिक मेडल बस आपके पास था ही, लेकिन मतलब चूक गए आप, मात्र 100 ग्राम वेट से, जो किसी को डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था कि भाई 100 ग्राम वेट से इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर जो विरोधी थे बीजेपी वाले, लगातार बृजभूषण सिंह ये कहते रहे कि क्वालिफायर नहीं देना चाहते थे इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने से कम वेट कैटेगरी में जाकर ट्रायल्स दे रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों के आरोपों से कैसे टैकल किया आपने, कैसे निकले? देखिए उनका काम है कहना, उनको बता रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग महिलाएँ जो ओपिनियन रखती हैं अपना, जो लड़ती हैं, उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बृजभूषण जब स्टार्टिंग में जब ये सब हो रहा था, वो बोला नेशनल नहीं खेलना चाहते हैं, नेशनल मैंने खेला, ठीक है, बोले ट्रायल्स नहीं देना चाहते, ये डायरेक्ट जाना चाहते हैं, मैंने ट्रायल्स दिया, पूरी दुनिया पूरे देश के सामने वो ट्रायल्स के वीडियोज़ हैं, फोटोज़ हैं, जिसको भी देखना आप निकाल के देखिए, जो अननोन लोग हैं, रेसलिंग से बाहर की दुनिया की बात कर रही हूँ, वो भी देख के बता सकते हैं कि कौन जीत रहा है इसमें, कौन हार रहा है, ठीक है। उसके बावजूद ये सब बोलना, तो आप सोच सकते हो कि वो अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें, जो नहीं होगा। परमात्मा और ये देश के लोग सब समझदार हैं, सब अपने घर पे रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उस तरह से संपन्न नहीं है, लेकिन दिमाग सबके पास में है, दिल सबके पास में है, सब देखते हैं, सब समझते हैं, अपनी मेहनत से आगे आए हैं, अपनी मेहनत से ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, किसी का कोई हक कभी नहीं खाया है ना कभी खाएंगे। मैंने राजनीति में आपको बता दिया, जिस दिन मेरी ये हो जाएगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ अपनी कैपेसिटी तक, लोगों की जो समस्याएं वो मैं नहीं सुलझा पा रही हूँ, मैं नहीं अपना 100% दे पा रही हूँ, मैं साइड हो जाऊंगी इस लाइन से, जब तक हूँ अपना 100% सच्चाई से हमने गेम किया, सच्चाई से इसी मतलब इस क्षेत्र में रहना चाहते हैं। चर्चाएं जब चली कि आप कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं, तब आपने एक ट्वीट भी किया कि मैं खेलों में ही काम करूंगी और मेरा प्लान है या मेरा सपना है कि मैं मेडल ओलंपिक में लेके आऊँ, फिर एकाएक राजनीति में जाने का फैसला क्या ऐसा इस बीच हुआ कि आपने सोचा कि नहीं राजनीति? कई बार परिस्थिति डिफरेंट होती है, अगर मैं इस ओलंपिक में मेरा मेडल होता तो मैं 32 तक मेरा ओलंपिक्स का मेरा टारगेट था, मैं झूठ नहीं बोल सकती किसी चीज़ के लिए, और 28 तो कंफर्म था, 32 तक अगर मेरी बॉडी ने परमात्मा ने साथ दिया होता तो मैं डेफिनेटली वो कर गया था। लेकिन कई बार आप जो प्लान करते हो वो परमात्मा नहीं करता, वो प्लान वो डिफरेंट कर लेता है। जो परिस्थिति थी जो पेरिस के दौरान रही, टोक्यो में रही, रियो में रही, एक खिलाड़ी के लिए ऐसे किसी भी बड़े इवेंट से ऐसे आना अचानक से, वहाँ से फिर से उठना, फिर से आना, फिर से उठना नहीं होता है। एक टाइम ज़िंदगी में ऐसा आता है कि आप इमोशनली ब्रेकडाउन आपका इस लेवल तक होता है, फिजिकली आप इस लेवल तक ब्रेक हो चुके होते हो कि वहाँ से उठना कोई आसान ये कहानी नहीं है, कविताएँ नहीं है कि आपने पढ़ दी और मैंने सुन ली। मैं बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन लगता है अलग लेवल का, मैं नहीं ले पा रही उसको इससे ज़्यादा। मेरी एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे लगा कि इमोशनली मैं ओवर हो चुकी हूँ, इससे ज़्यादा अगर मैंने लिया तो मैं शायद वो विनेश नहीं रहेगी जो है, कोई ऐसा काम नहीं हो जाए ज़िंदगी में इमोशनल लेवल पे जाके बिल्कुल, जिससे मैं अपनी ज़िंदगी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो मैं भूल जाऊँ। इससे अच्छा है कि आप उस किताब के पन्ने को बंद कर दो, दूसरा पेज आपको ज़िंदगी का खोलना चाहिए, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हो, जहाँ पे आप नए सपने अपने लिए देख सकते हो, लोगों के लिए आप देख सकते हो, और जहाँ पे आप में जीवन जीने की क्षमता है, जो एक ललक है वो जिंदा रहनी चाहिए आपके अंदर। हम अगर हरियाणा की बात करें, खिलाड़ियों का प्रदेश है,
देखिए कितने मेडलिस्ट हरियाणा से ही आते हैं, इस बीच खिलाड़ियों के लिए आपका क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए, ना सिर्फ जुलाना में बल्कि ओवरऑल अगर हरियाणा में आप देखें, अलग अलग कैंप्स में भी जाती रही, तमाम खिलाड़ियों को भी आपने देखा, क्या कुछ समस्याएं अपनी बताते हैं आपको? खिलाड़ियों की तो स्टेडियम ही नहीं है पूरे हरियाणा, नहीं पूरे हरियाणा में, तो कुछ कुछ जगह पे है ठीक ठाक, जैसे रेसलिंग का अगर मैं बोलूँ रोहतक में है ठीक ठाक, लेकिन जो बनाया है वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनाया, मैं मेरे गांव की बताती हूँ आपको स्टोरी। 2016 में उन्होंने स्टेडियम की घोषणा की थी, ठीक है, स्टेडियम बन के तैयार है, एसी होल है, ना तो रेसलिंग मैट है, ना कोई कोच है, ना बिजली की सुविधा है, तो उस दीवारों का क्या करेंगे बच्चे? आपने दीवार तो खड़ी कर दी, तो रेसलिंग होल है तो उसमें मैट नहीं है तो कहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे? क्या फर्श के ऊपर करेंगे? क्या कोच नहीं है तो किसके अंडर में करेंगे? ये उस गांव का हाल है जहाँ से इतने मेडल हमारे आए हैं, तो दूसरे गांव के आप सोच सकते हो, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। तो खिलाड़ियों के लिए सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कुछ किया? बिल्कुल किया है, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, टोक्यो में नीरज चोपड़ा का गोल्ड आया था, उसको क्या जॉब दी है हरियाणा सरकार ने, कोई ऑफर किया? डिप्टी डायरेक्टर क्या पोस्ट होती है किसी ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए? वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं और उनका यूज हम कर सकते हैं अच्छे लेवल पे। ऐसे खिलाड़ियों का हम अगर अच्छे जगह पे बिठाएंगे तो वो अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमताओं का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो वेस्ट चला जाता है आपका जो टैलेंट है। तो हुड्डा साहब की जो नीति थी पदक लाओ पद पाओ, बिल्कुल वो खिलाड़ियों के लिए बेस्ट थी? बिल्कुल क्यों नहीं, कितने खिलाड़ियों को जॉब मिली आज, उस टाइम पे कितने खिलाड़ी थे और हरियाणा में गेम बढ़ने का रीजन ही इतना था कि उन्होंने पद लाओ पद पाओ वाली जो नीति थी उससे इंकरेजमेंट मिली थी पूरे देश में, इसीलिए ये हरियाणा में वो था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि खिलाड़ियों को पैसे की क्या ज़रूरत है, ठीक है, जब खिलाड़ी जब अपना घर परिवार सब कुछ, परिवार वाले अपनी ज़मीन बेच देते हैं खिलाड़ी बनाने के लिए, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में माँ बाप जितनी मेहनत करते हैं उससे डबल मेहनत है खिलाड़ियों के लिए, पूरे महीने की डाइट 50,00,000, 1,50,000, 1,00,000 तक हो जाती है, कहाँ से आता है वो, कोई गरीब परिवार कहाँ से देता है, वो यही करता है अपनी ज़मीन बेच देगा, अपने खाना अपने बच्चों को देने लग जाएगा, तो बहुत स्ट्रगल है। तो वहाँ पे उस हरियाणा में जो पैसे जब मिलते हैं खिलाड़ी को, मेरे को पता है 2013 में मेरे को 5,00,000 का चेक मिला था, अंडर 17 में मेरा जब मेडल आया था, मेरे लिए वो 5,00,000 आज के 50 करोड़ से भी ऊपर है, वो 5,00,000 की कीमत इतनी थी उस टाइम पे। वहाँ से जो हौसला मिलता है ना खिलाड़ी को, वो पैसे का हौसला नहीं है क्योंकि वो परिवार में खाने को नहीं है, उस परिवार को जब आप इतने पैसे दे दोगे तो उनका 2 साल तक खिलाड़ी को पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चिंता नहीं करता कि मेरी डाइट कहाँ से आएगी, फैमिली को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसने खिलाड़ियों को बनाया है, यही बनाते हैं, ऊपर लेवल पे आके जो करोड़ों रुपए देते हो वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ग्राउंड पे जो बच्चा जब स्टार्ट कर रहा है ना वहाँ पे जो चीज़ें दोगे ना वो बहुत मायने रखता है, वही आपका हौसला बढ़ाता है, वही आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये मतलब आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि इतने साल पहले जो 5,00,000 का चेक आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला, तो उसी से ही ये आपको लगा कि नहीं कांग्रेस बेहतर काम कर रही है? या मैं बताती हूँ इसी बात के ऊपर, उस टाइम पे जो अंडर 17 के बच्चों को जो रुपए मिलते थे वो आज नहीं है, बीजेपी की सरकार ने 10 साल में नहीं दिया खिलाड़ियों को, अभी मेरा मेडल आ गया ठीक है, मेरे को 2 साल बाद में वो पैसे मिलेंगे, वो 2 साल के पीरियड में मैं कहाँ से खाना खाऊंगी? होना ये चाहिए कि एक महीने, जैसे ओलंपिक से आते हैं ओलंपिक वाले के, तो आप 10 दिन में ही प्रोग्राम करके पैसे दे रहे हो, आपको देना चाहिए नीचे वाले खिलाड़ियों को, ओलंपिक में जो जाता है ना वो इतना संपन्न हो जाता है खिलाड़ी, उसको आप अगर 4 महीने लेट भी दोगे ना तो भी उनका चल जाएगा, लेकिन जो नीचे वाले लेवल पे है जैसे ही खिलाड़ी का मेडल आता है आपको वो 1 महीने के अंदर टाइम पीरियड के अंदर वो पैसा देना चाहिए, ये मेरा मानना है। खिलाड़ी होने के नाते मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ, आप कागज़ों में उलझा के रखोगे, 4 साल तक बच्चे चक्कर काट रहे हैं, फिर उनके फिर पैसे भी नहीं जाते हैं प्रॉपर तरीके से, फिर वो उस पैसे की कीमत ना तो उनको पता चलती है, ना वो फील कर पाते हैं, ना उसकी इंपॉर्टेंस इतनी रहती है, क्योंकि तब तक वो मेंटली ब्रेकडाउन 2 साल में 4 साल में खिलाड़ी इतना हो चुका होता है, उसका आना मिलना नील हो जाता है उसके लिए। अच्छा, लगातार जो आपके आरोप लगते हैं कांग्रेस ही प्रायोजित था इनका प्रदर्शन, कांग्रेस ने प्रायोजित किया और कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, हंसी आती है वो सब सुन के? बिल्कुल हंसी आती, देखो कोई भी लड़की मैं गरीब से लेके अमीर तक की बात करें ठीक है, सड़क के ऊपर अपने कपड़े फड़वा के, अपने बाल नुचवा के, अपनी इतनी जिल्लत करवा के अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहती है तो मैं इसे नीच और घटिया सोच किसी के नहीं मानती, ठीक है, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी महिलाओं को, आपको समझना पड़ेगा कि महिलाओं की इतनी भागीदारी है जितनी आपकी है, आपको इज्जत मान सम्मान देना पड़ेगा, सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं
पर्सनल जिंदगी में आपको देना पड़ेगा। और आज की जो यंग जनरेशन है, जो हम जैसी महिलाएं हैं, वो बहुत हिम्मत रखती हैं, बहुत मादा है उनमें, वो ताकत है, वो लड़ने की क्षमता रखती हैं। इन पार्टियों को, जो भारतीय जनता पार्टी से स्पेशली मैं बोल रही हूँ, नैरेटिव सेट करना बंद करना पड़ेगा। और अगर इनको लगता है कि महिलाओं के ऊपर राजनीति करना गलत है, तो ये किस चीज़ पर राजनीति करेंगे? अपने जो सांसद हैं जो ये गलत काम करते हैं, उनको बचाने की राजनीति ये करना चाहते हैं क्या? हरियाणा में भी हमने देखा संदीप सिंह मंत्री, खेल मंत्री, और इतने गंभीर आरोप, और उसके बावजूद भी सरकार लगातार क्लीन चिट देती रही। कोर्ट में अब आरोप तय हो गए तो शफल से पहले उन्हें हटा दिया गया, अब टिकट भी काट दिया गया, तो मतलब खुल के एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्या समझ रहे हैं आप, क्यों ये परेशानी? आई थिंक ये समस्या हमें जब हम पहली बार हम बैठे ना, तब समझ में आई। हमारे देश में पॉलिटिक्स से बड़ा कुछ नहीं है, चाहे आप कितने ओलंपिक के गोल्ड ले लेना, पॉलिटिशियन हमेशा आपको अपनी जूते की नोक के नीचे रखता है, आपकी इज्जत को, आपके मान सम्मान को, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, उनके लिए मैटर करता है तो राज, जो पैसा, जो शोहरत, जो जो आराम की जो जिंदगी है ना उनको, जो अपना घर पे बैठ के करोड़ों अरबों रुपए खाते हैं, वो उनके लिए बहुत मैटर करता है। नेता तो कहते हैं राजनीति सेवा है, हम तो सेवा करने हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल उनकी जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल गलत है। सेवा वाला जो लोग है ना, वो अपने किसी भी देश के नागरिक को दुखी नहीं करना चाहेगा, वो हर समस्या को, चलो आप इतना बड़ा देश है, आप हर किसी की पर्सनल समस्या नहीं सुलझा सकते, आप उससे बात तो कर सकते हो, आप उसको सुन तो सकते हो, इतनी तो क्षमता होनी चाहिए ना आपके अंदर, वो नहीं है इनमें। ठीक है, ये नैरेटिव सेट करना, मैं वही कह रही हूं, अब अगर महिलाओं पे अगर बात नहीं करेगी, अगर आप खिलाड़ियों के लिए अगर आपको राजनीति नहीं करनी है, तो आप करना किस चीज़ पे चाहते हो? मुझे नहीं कितना किस चीज़ पे करते हैं भारतीय जनता पार्टी, जात पात पे, कि ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये नाई है, ये फलाना है, ठीक है, इस पे, या जहाँ पे ये नैरेटिव सेट नहीं होता है तो हिंदू मुस्लिम करके। अभी बहुत मुद्दों पे टारगेट किया जा रहा है, कह रहे हैं कि कांग्रेस दलित विरोधी है, कुमारी शैलजा को इग्नोर कर रही है, ऐसे ऐसे बयान दे रही है। कुछ नहीं है, मैं खिलाड़ी हूँ, अभी मैं कांग्रेस में आई हूँ, ठीक है, सिंगल टाइम मैंने ना किसी खिलाड़ी की जात पूछी है, ना किसी खिलाड़ी ने मेरी पूछी है, हर तरीके के खिलाड़ियों से हमारे मैच हुए हैं, ना कभी हमने कभी उस चुंदक से काम किया है, ना ये विचार रहे हैं। मैं बोल रही हूँ आपको कि आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो प्योर होनी चाहिए, कौन क्या बोलता वो मैटर नहीं करता आपके लिए। आपको राजनीति में भी ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब क्यों ये जात पात में एक दूसरे को बांटने का काम होता है? इंसान है क्या, आपने तो बनाया ना, उनमें क्या अलग है, उनकी नोज अलग है, उनकी आंखें अलग है, या उनका शरीर अलग है, क्या है, वही हाथ पैर उनके हैं, वही आपके हैं, वही खाना, चलो आप थोड़ा सा और बेटर खाना खा लेते होंगे, वो गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो चाय के साथ खा लेते होंगे ना, एक प्याज के साथ खा लेते होंगे, इससे ज़्यादा तो आप सब्जी के साथ खा लेते होंगे, इससे ज़्यादा फर्क कुछ नहीं है ना, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने की स्थिति में है? अभी का जो मैं माहौल देख रही हूँ, जो लोगों की जो परेशानियाँ मैं देख रही हूँ, लोग इतना तंग आ चुके हैं ना इस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, वो चाहते हैं बदलाव लाना। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने जो खिलाड़ियों के लिए किया है, जो 36 बिरादरी के लिए किया है, पूरे विश्वास से कह सकते हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदयवान जी के नेतृत्व में, हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, इतने मेहनती जो लोग हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हर किसी ने 10 साल तक वो पीड़ा सही है, देखी है लोगों की, और उस साइड में हम काम कर रहे हैं कि अभी आ गया है मौका अपना, अपने लोगों की समस्याओं को सुनने का, सुलझाने का, उनके लिए काम करने का। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, ना मैं सोचती हूँ, जो हमारी कांग्रेस पार्टी के जो हाई कमान है, जो आला कमान है, वो डिसाइड करते हैं। मेरे से जब मैं टिकट का चल रहा था, तब भी मेरे से पूछ रहे थे, तब भी मैंने यही बात बोली थी कि मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें, मैं खिलाड़ी होने के नाते आपको बता सकती थी मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। आपने नहीं कहा कि मुझे झुलाना से ही लड़ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पार्टी ने तय किया, बिल्कुल पार्टी ने तय किया है, और ये भी पार्टी तय करेगी। ये जो नैरेटिव सेट करते हैं, ये पॉलिटिक्स, मतलब मैं पहले ना, ये राजनीति को मुद्दों पर करो आप, किसी दूसरी पार्टी ने क्या कर दिया है, आपने काम कितना किया है उस पर बात करो आप, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, छोड़ दो उस चीज़ को, वो जनता तय करेगी, वो आला का मन तय करता है। लेकिन आपके इंटरव्यू से पहले मैं पूरे जुलाना में घूमी, बहुत सारे लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, और लोगों ने खुलकर मुझसे अपनी बात रखी, साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आए कि विनेश जीत रही है, हमारी अगली खेल मंत्री विनेश फोगाट होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये बात मुझे, देखो ये उम्मीदें हैं, ये जो मेरे से आस और उम्मीद है नहीं, बहुत ज्यादा है, इसलिए वो मेरे को इतनी उम्मीद है कि वो विधायक तक वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं,
कि हमारी को इतना छोटा पद नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो राय की बात ही नहीं कर रहे, कह रहे वो तो जीती पड़ी, आप खेल मंत्री बने हैं ना, उनकी वो बहुत अलग लेवल के, उनका बस ले तो मेरे को प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन नहीं होता है ऐसे, है ना, असल जिंदगी में ऐसे नहीं होता है। लेकिन जितना भी हमारे अंदर कैपेसिटी है, जितना भी हमें मिलेगा परमात्मा की दया से, उनकी कृपा से या लोगों के प्यार से, जितना भी मिलेगा हम उतना अपना जितना है हाथ में उतना काम करेंगे। खेलों में यही तो सीखा है, जितनी सुविधाएं हैं ना, कम है कम में काम किया, जब ज़्यादा होगी तो ज़्यादा में काम किया, हर स्थिति में हमें डलना आता है। लेकिन तो अगर आपको कैबिनेट में बतौर खेल मंत्री शामिल किया जाता है तो आप ये मेक श्योर करेंगे जितनी परेशानियां एक खिलाड़ी होते हुए आपने झेली या देखी, दूसरे खिलाड़ियों को वो परेशानी ना, बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं उस घर से, उस गांव से निकली हूँ जहाँ पे मैं बता रही ना, 5 लाख रुपए की कीमत मेरे लिए 50 करोड़ हाथ, मेरे को एक एक पैसे की मेहनत तो था पता है, खिलाड़ियों का संघर्ष पता है, जो पॉलिसीज बनती हैं वो ऑफिशियल जो लोग होते हैं बड़े बड़े अधिकारी बनाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये खिलाड़ियों की सोच होनी चाहिए। यहाँ पर हर पर्सनल खिलाड़ी से आप पूछो, जितने भी बड़े बड़े हैं पहले उनसे पूछो, जो नीचे लेवल के उनसे पूछो, फिर जो कंबाइन करके जो आपको जो लगता है कि ये ठीक है, फिर आप एक उनके सामने रखो कि ये मैंने सोचा है, ये हम करना चाहते हैं, आप बताओ। वो खुश होने चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए आप काम करो, आप अपनी खुशी के लिए काम थोड़ी करो, वो खुश होने चाहिए तभी वो पॉलिसी बननी चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप उसमें चेंज करो। आप कम से कम खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए, खुश रखने के लिए और अच्छा खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तमाम काम करेंगे। बिल्कुल, मैं सिर्फ ऐसे पॉलिसीज बनाने पर इस पर नहीं काम करूंगी, मैं पर्सनल लेवल पर भी जितना मैं, जैसे मैं रेसलर हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं रेसलिंग में भी कुछ बच्चों को कभी कभी अकेडमी में जाके भी सिखा के आऊँ, कुछ जो भी टेक्निक है या जो भी चीज़ें मैंने आज तक सीखी है रेसलिंग में। और हाँ, मतलब और जितनी भी जो लड़कियां हैं, एक मुझे ऐसे लगता है जितना मैं आगे जाऊंगी वो लड़कियां उनके लिए एक थोड़ा सेफ स्पेस मैं बना सकती हूँ, कम से कम कोई तो, क्योंकि हम जब बैठे तो हमारे लिए कोई अप्रोच करने वाली लड़की या महिला कोई नहीं देगी जिसको हम फ़ोन करके अपनी बातें बता सकें या अपनी तकलीफ बता सकें। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम मैं उनको ये चीज़ तो प्रोवाइड करवा ही सकती हूँ कि वो 24 आवर्स उनके साथ में कुछ भी मिसबिहेव होता है, कुछ भी कभी भी कॉल करें और मैं उनके सामने खड़ी रहूं, उनको कम से कम ये ऑप्शन तो दिखे कि कोई है सुनेगा, जो खड़ा है हमारे आगे या उनको बोल सकते हैं, हम सुनने वाला है। वो वहाँ पे राजनीति नहीं होगी, वहाँ पे आपके लिए इंसाफ की लड़ाई होगी, आपकी आवाज़ को उठाने की लड़ाई होगी वहाँ पे, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं ना कई बार वो अपने तरीके से पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस चीज़ का मुद्दा बनाएंगे। तो ये मुद्दे की महिलाओं के मामले में मैं बिल्कुल कभी पॉलिटिक्स नहीं करूँगी। मलाल रहेगा इस बात का कि ओलंपिक में गोल्ड नहीं लेकर आ पाएगी और ये सपना अधूरा रह गया। देखिए, जिंदगी में हर चीज़ अगर सब ख्वाहिशें पूरी हो जाए तो जिंदगी जीने में वो मज़ा नहीं आता है, वो आप में उम्मीद नहीं जगती है। हर पड़ाव पे, हर जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर अलग कहानी होती है, आपको उसे डील करना पड़ेगा, तभी आप एक मैच्योर पर्सन हो, तभी एक इंसान आप कहलाओगे। अगर आप एक चीज़ से बंधे रहोगे, एक चीज़ पे आपका दिमाग रहेगा, तो मेरा ऐसे मानना है कि परमात्मा ने आपको इतनी ताकत दी है, आप एक जगह पे उसको वेस्ट नहीं कर सकते। आपकी जो कैपेसिटी है वो अलग क्षेत्र में जा सकती है। एज ए खिलाड़ी होने के नाते मलाल तो अगर 4 गोल्ड ले आओगे तब भी रहेगा कि मैं 5वां क्यों नहीं लेके आया, ठीक है, वो चीज़ें डिफरेंट हैं। वो एक किताब का एक पन्ना था, वो पलट दिया हमने। अभी जो हमारे सपने हैं, हम जैसे हमारे अंदर कोई सपना देख के हमें आगे लेके आया था, ऐसे ही हम अपने सपने अपने आने वाले जनरेशन को दिखाएं, सिखाएं, उनकी महत्व बताएं। जितना भी मैंने कुश्ती में या खेल में टाइम दिया है, मैंने बहुत खुशी से और बहुत दिलो जान से किया है, तो उस चीज़ को मैं लेके प्राउड फील करूँगी। अच्छे मोमेंट्स भी हैं, बुरे मोमेंट्स भी हैं, वही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। सबसे अच्छा मोमेंट आज तक बतौर खिलाड़ी क्या रहा और कैसे उसे चेरिश करते हैं? देखिए, 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मेडल आया था, वहाँ से एक मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई थी। वहाँ से पता लगा था कि हाँ, एज ए खिलाड़ी मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। तो वो ज़िंदगी का बेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट था, क्योंकि उससे पहले आपको पता नहीं था कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, ना फैमिली को इतना विश्वास था, ना आपको अपने आप पर इतना विश्वास था। तो वो बेस्ट हमेशा रहेगा। बोलते हैं ना कि जो जड़ें हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो वो जो जड़े हैं उस टाइम पे मेरी स्ट्रॉन्ग बनी थी। उसके बाद में जो हमने ग्रो किया है, जो खिलाड़ियों ने नाते, उसके बाद मैं जितने भी कॉम्पिटिशन खेली हूँ मैंने जीता है। तो कहते भी हैं कि आप सिस्टम को तभी चेंज कर सकते हो जब आप सिस्टम के भीतर हो, तो अब आप सिस्टम के भीतर जा रही तमाम खिलाड़ियों के लिए, तमाम प्रदेश के युवाओं के लिए बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, सिस्टम के अंदर है, इतना आसान होता नहीं है, लेकिन मुश्किलें तो हर 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 मोड़ के ऊपर चुनौतियाँ, और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हैं।
जितने भी अधिकारी होंगे अगर मैं जाऊंगी तो वो शायद नहीं पसंद करेंगे मेरी उस आवाज़ को, मेरी उस इस स्ट्रॉन्ग छवि को, लेकिन डील तो करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है बहुत ही बेहतरी से और पूरी ईमानदारी से और एकदम धाकड़ छोरी की तरह जैसे कि आपको जाना जाता है आप आवाज़ उठाएंगी। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस तमाम बात। धन्यवाद। तो विनेश फोगाट हमारे साथ थी, आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए और जितना प्यार जितना समर्थन लोगों से मिल रहा है उसको ये कह रहे हैं कि उतनी ही ज़्यादा बड़ी मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि लोगों के विश्वास पर, उनके प्यार पर हम कायम रह सकें और उसके अनुकूल काम कर सकें। बीजेपी की तरफ से तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, तमाम जो बातें कही जा रही हैं, विनेश का उन पर ये कहना है कि काश बीजेपी वाले भी सुनते, हमारी समस्याओं को समझने की कोशिश करते और सिर्फ बातें करके सोशल मीडिया पर आकर तमाम तरीके के वर्जन्स देने से कुछ नहीं होता। अच्छा तब लगता जब पर्सनली मुझे कॉल करते, मुझसे बात करते और दुख की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में एक खिलाड़ी का साथ निभाते, तब मालूम होता कि वाकई में आप खिलाड़ियों के हितैषी हो और आपने खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन काम किया। कांग्रेस को इसीलिए चुना क्योंकि कांग्रेस ने खिलाड़ियों को वो मान सम्मान दिया, ना सिर्फ तब जब वो बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाके मेडल लेकर आए बल्कि उनकी नींव को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने, उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने काम किया और यही वजह है कि कांग्रेस को चुना। और सिस्टम में रह कर ही अब सिस्टम को चेंज करने की कोशिश होगी, महिलाओं पर फोकस होगा, किसी भी तरीके का अन्याय अगर महिलाओं के खिलाफ हो तो उसको लेकर दबंगई से आवाज़ उठाएंगी हरियाणा की धाकड़ छोरी विनेश फोगाट। चुनावी मैदान में जुलाना से हैं, अब आप क्या फैसला करते हैं? 8 अक्टूबर को जुलाना से चंडीगढ़ भेज रहे हैं और उसके बाद जो तमाम आपकी उम्मीदें हैं उस पर क्या, कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो खरी उतरती है या नहीं? हरियाणा न्यूज़ पर लगातार इसकी भी अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ इस चुनावी स्टूडियो में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।